अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल हर घर में बनने वाले आलू के पकौड़े, जिसके लिए हमें आलू चाहिए जो कि हमने ऐसे बारीक बारीक सी कटिंग करके धो लिए। प्याज चाहिए इसमें जो कि बिल्कुल ही फाइन सा कटिंग कर लिया। पालक ऐड करेंगे इसमें, हरी मिर्च कटिंग की हुई डालेंगे इसमें, अनारदाना धोकर अच्छे से वो ऐड कर देंगे इसमें, एक चम्मच भर के दादर मिर्च ऐड कर देंगे इसमें, एक चम्मच पीसी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे, आधा चम्मच आएगी हल्दी पाउडर, आधा चम्मच पीसा हुआ गरम मसाला, टेस्ट के हिसाब से नमक, एक चम्मच आएगा इसमें ज़ीरा, सूखा धनिया ऐड करेंगे इसमें क्रश किया हुआ, हरी मिर्च कुटी हुई डालेंगे इसमें, पकौड़ों को खस्ता करने के लिए मीठा सोडा डालेंगे थोड़ा सा, एक कटोरी हम इसमें डालेंगे बेसन की, और अब हम इसको मिक्स करके रख लेंगे थोड़ी देर के लिए। पानी नहीं ऐड करेंगे, ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। जो प्याज का, पालक का और मसालों का अपना भी पानी है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और हमें इतना पानी डालना नहीं पड़ेगा। मिक्स करके देख लेंगे, अगर बेसन कम लगेगा थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे इसमें। ऐसे ही हम इसको मिक्स करके रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, फिर ये अपने ही पानी छोड़ देगा, फिर उसको हम आपको दिखाते हैं 10 से 15 मिनट बाद कि इसकी लुक कैसी होती है। देखें फ्रेंड्स, हमने एक छींटा भी नहीं इसमें पानी का ऐड किया। ये देखें, बिल्कुल हमारा पेस्ट रेडी है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डाल लेंगे, आलू थोड़ा सा डाल के चेक करेंगे ऑयल हमारा गर्म हुआ या नहीं। अब ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम बाकी के पकौड़े फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको हल्के हाथ से फ्राई कर लेंगे। बहुत तेज आंच पे नहीं फ्राई करेंगे, हल्की सी मीडियम आंच के ऊपर इसको करेंगे। बाहर निकाल लेंगे। ये है हमारे पकौड़ों की लुक, जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं। ये है फाइनल लुक, खाएं और इंजॉय करें।